नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं, रुड़की के KLDAV डिग्री कॉलेज के मैदान में ग्रीष्मकालीन प्रदर्शनी मेला लगा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि दिन ब दिन मेले की रौनक बढ़ती जा रही है। और आपको बताएं, अभी हम जो खड़े हैं इसी मेले में खड़े हैं जो यहां पर ट्रेन झूला है, ड्रैगन ट्रेन इसको नाम दिया गया यहाँ पर है, का जो मेला लगा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? के लिए बढ़िया है, अच्छा ऐसा लगना चाहिए। गर्मियों के टाइम शाम के समय वीकेंड पे लोगों को मौका मिल जाता है बढ़िया घूमने का, तो अच्छा लग रहा है। सर, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ हैगी ये, बल्कि हर साल लगनी चाहिए इस तरीके से, जिसमें छुट्टियां पड़ती है बच्चों की, उसके लिए बच्चे आनंद ले सकें। अच्छा, देखते हैं कि बच्चे झूले में बैठने से डर जाते हैं कि झूले में नहीं बैठेंगे, क्योंकि बचपन में कभी आप भी डरे होंगे, तो अब जैसे बच्चों को मिले अलग अलग तरह के झूले हैं, उस चीज़ को लेकर क्या कहोगे? नहीं, झूले की सारी फैसिलिटी पहले से तैयारी हो चुकी है, झूले भी बहुत अच्छे होंगे और सभी तरीके की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो आप कहाँ जा रहे हो अब ट्रेन में बैठ कर? बस ट्रेन में, जहाँ ट्रेन ले जाए। कैसे पूछे, कैसे लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर अच्छा लग रहा है, ऐसा कार्यक्रम होता रहना चाहिए मनोरंजन के लिए, कभी कभी तो अच्छा लगता है। जी, आप बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बच्चों को घुमा के अच्छा लग रहा है। देखिए, अब ट्रेन चल रही है और यहाँ पर आपको बताएं, इस ट्रेन के अंदर जो है जो सायरन होता है वो भी यहाँ पर बज रहा है। देखिए, अभी आपको हमने ड्रैगन ट्रेन दिखाई, उसमें बैठे यात्रियों से बात करी, उसके बाद हम जो पहुंचे हैं, ये बोनसी है, ये छोटे बच्चों के लिए मौज मचे आ रहे हैं फिसलते हुए। देखो, खूब इसमें एंजॉय जो है छोटे बच्चे मेले में कर रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी छुट्टियों में बच्चों के लिए मेला लगा है। ये अच्छा मेला लगा है, मैं कहना चाहूँगी ये इट्स वेरी एंजॉयफुल फॉर किड्स एंड द एल्डर्स वन आल्सो, सो वी एंजॉयड अ लॉट हियर एंड आवर किड्स आर आल्सो एंजॉयिंग सो मच। थैंक। देखिए, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कार वाला झूला यहाँ पर दिखाया गया है, और जो बच्चे जंपिंग कर रहे हैं इसमें जो है जंपिंग कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, काफ़ी इंजॉय यहाँ पर बच्चों को करने को मिल रहा है। आपको बताया कि इस मेले में, इस प्रदर्शनी में छोटे बच्चों के लिए वाटर पार्क भी है, जिसमें बच्चे छोटी सी बोट में बैठकर खूब इंजॉय कर रहे हैं, यानी कि जो गर्मी की फुल मस्ती से बोलते हैं वो यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बोट चला रहे हैं, और उनके यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो फिर अब क्या कहना चाहते हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो बच्चे छोटे छोटे वोटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वाटर पार्क में ना जा पा गए, यहाँ पे आ पा आने के लिए थोड़ी एक्टिविटी इनके स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाए हैं इसको। अच्छा, रुड़की में इस तरह का मेला लगाया तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, इंजॉय। देखिए, यहाँ पर आपको बताएं, ये जो गेम है भैया, कौन सा गेम है जरा इधर बताओ जरा? रिंग गेम है भैया जी। रिंग गेम है, इसमें क्या हो रहा है? जिस चीज में भी डलेगा ये रिंग, उसे ही नाम मिलता है। अच्छा, तो कितने रुपए ले रहे हो आप? 50 रुपए के 10 रिंग है। 50 रुपए के 10 रिंग आपने डाला किसी रिंग में? डाला अंकल, लेकिन डला नहीं। डाला की कोशिश करी, मतलब प्रयास करा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस तरह के मेलों के लिए क्या कहोगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मेले लग जाते हैं, कभी कभी लगते हैं शहर में, तो ऐसे मेले लगने चाहिए? हाँ, लगने चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ठीक है, बच्चों का थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाता है बस, और क्या। कई दिन से बच्चे सर रो रहे थे कि चलो दिखा दो, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है ना, मैंने चलो थोड़ी देर के लिए बच्चों का हो ही जाता है बस। शहर में जादूगर भी आ गया आपके? हाँ, बिल्कुल आ गया होगा, उसका पता नहीं। बच्चों की छुट्टी है उसको लेकर? हाँ, अभी देखने जाओगे? हाँ, जाएंगे, देखो, अगर पता लगे, अभी तो पता नहीं लगा कहाँ आ गया, पता नहीं। चाली मंडपम में है, विशाल आता है वो। हाँ, ठीक। चलिए, बोल रहे कह रहे पहले इस पूरे मेले का एंजॉय करेंगे, और फिर शहर में जो जादूगर अजूबा है उसका भी पता करेंगे, भाई वो कहाँ लगा है, उसको भी जरूर देखने जाएंगे। कौन सा झूला झूला है यहाँ पर? सारे किसी वाला हंडोला, किसी ब्रेक डांस, और ये छोटे वाले भी झूला। इसका सस्ता टिकट, उनका महंगा। रोज आ रहे हैं? रोज डेली। सबसे बड़े हैं, बर्फ का गोला लगा मेले में, सबसे बड़े बर्फ का गोला लगा मेले में। ऊंट की सवारी, बहुत अंडर जायंट पावर, बहुत अच्छा है। जैसे कि आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रिक्रिएशनल एक साइट लग गई है, बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हैं। पेरेंट्स, और इतना ज़्यादा रश है कि हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो अपनी सिटी में ही बहुत अच्छी जगह हमें मिल रही है कि बच्चे जहाँ पर इंजॉय कर पा रहे, साथ में पेरेंट्स भी थोड़ा बाहर निकल रहे हैं शाम को, तो गर्मी के मौसम में तो थोड़ा राहत। बात की जाए रेट्स की लेकर, क्योंकि कई लोग बोलते हैं भाई मेले में जाना, आज के टाइम पर हर आदमी सोचता है मेले में जाएंगे, पैसा बहुत खर्च होगा पेरेंट्स, लेकिन अगर बात आपने इंजॉय कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर टिकट भी लिया होगा और खाने पीने के स्टॉल पे आप गए होंगे, तो कैसा लगा आपको, मतलब रेट को लेकर और क्वालिटी को लेकर? नहीं, बहुत ही रीजनेबल रेट्स है, ऐसा नहीं है। और अभी मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें तो ट्राई की नहीं है, तो क्वालिटी मैं नहीं बता सकती, लेकिन जैसे मैंने गेम्स और जो
और चीज़ें हैं वो मैंने ट्राई की हैं, जैसे झूले हैं उस पर हम गए हैं, तो बहुत ही रीज़नेबल रेट्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो रीज़नेबल है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है, मतलब ये है। हाँ मैडम, ये आपका यहाँ पे इंजॉय जो आपने देखा मेला कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आया, मतलब आते ही सब राइड्स घूमी हमने, पहले वो बड़े वाली राइड, फिर उसके बाद डांसिंग चेयर, उसके बाद फिर ये वाली राइड, तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय एंजॉय ले रहे हैं। हाँ बहुत मज़ा आया। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मेले के लिए, क्योंकि शहर में कभी कभार इस तरह के मेले लगते हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उस चीज़ को तो ये होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे ना जो वो लाइफ होती है हमारी जो कंटिन्यूस चलती रहती है, उससे ब्रेक मिलता है लाइफ में, तो ये होते रहने चाहिए, बहुत अच्छा है ये। क्या बेच रहे हो ये? बबल्स। बबल्स कितने का बेच रहे हो? 10 का है, 20 का है, 50 का है। अच्छा, सरफ वगैरह होगा? जी शैम्पू वगैरह, शैम्पू डाल जी। देखिए जरा देखिए, बबल्स है ये 10 और 20 रुपए की है, और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए जो खेल खिलौने हैं, कार वगैरह भी यहाँ पर की दुकानें लगाई गई हैं। लग रहा है बेटा मेला? अच्छा लग रहा है। हैं? अच्छा लग। कहाँ से आए हो? हम देहरादून से। देहरादून से मेला देखने पहुँचे? ना ना, हम ना रुड़की आए थे तो यहाँ पर आए हैं। अच्छा, रहने वाले देहरादून के? हाँ। अच्छा, नानी रहती है आपके यहाँ? बोल रहे हैं नानी घर में बच्चे छुट्टी आते हैं तो आज इंजॉय जो कर रहे हैं मेले का कर रहे हैं, तो कि यहाँ पर ये जो मेला लगा है आप देख सकते, काफ़ी यहाँ पर मेले का लोग इंजॉय ले रहे हैं, और अभी जो मैं ऊँट की सवारी पे हम हैं, और ऊँट की सवारी पे भी लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, आप मेरे पीछे देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, और काफ़ी मेले में भीड़ यहाँ पर लगी है। आपको दिखाना चाहूँगा इस प्रदर्शनी में हिंडोला झूला, जो कि काफ़ी बड़ा झूला है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें काफ़ी लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं, आप देखते कितना बड़ा झूला है यहाँ पर, ये है, और इसमें काफ़ी लोग झूल रहे हैं, और उसी के बराबर में जो है कोलंबस झूला, जो कि बड़ी नाव है, इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर इसमें इंजॉय कर रहे हैं, उसके बराबर में जो है ब्रेक डांस झूला है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी लोग इंजॉय यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं इस मेले में। आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में कैमल राइडिंग भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं, जो कि ऊँट पर बैठ के यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, इस पूरे मेले परिसर में ये ऊँट जो है आपको घुमा के लाएगा, यहाँ का भी आप आनंद उठा सकते हैं। जो बच्चों के छोटे खिलौने हैं, लाइटिंग के खिलौने हैं, घर की डेकोरेशन की चीज़ है, वो भी यहाँ पर इस मेले में आपको स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है फास्ट एंड फूड्स का भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, जिस तरह से डोसा और चाट चाउमीन फास्ट फूड्स की यहाँ पर दुकानें हैं, शिकंजी वगैरह है, आप जैसे काफ़ी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ इस समय इस मेले के ओनर भी हैं, और यहाँ पर बात करेंगे उनसे यति जी से, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके द्वारा यहाँ पर मेला लगाया गया है, कि लोगों ने बताया भाई फुल इंजॉय यहाँ पर ले रहे हैं, क्या क्या व्यवस्था है आपके द्वारा है? सबसे पहले तो दैनिक रुड़की का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि आप लोग आज यहाँ घूमने तो आए हैं, साथ साथ इस मेले को कवर करने के लिए भी पहुँचे हैं, और जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे भीड़ बहुत अच्छी है, फैमिलीज़ आ रहे हैं बच्चों को लेके अपने, और पेरेंट्स बड़े खुश हैं, और काफ़ी अच्छा मेला यहाँ पे लगाया है, हमने कोशिश करी है कि जितना हो सके यहाँ पर बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, लेडीज़ को एक अच्छे माहौल में यहाँ पर जो है इन्जॉयमेंट कर पाएँ यहाँ आकर अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो अच्छा है सब कुछ, और सेफ्टी सिक्योरिटी का सब कुछ ध्यान रखते हुए और इस मेले का आयोजन किया गया। सेफ्टी की अगर बात करें तो हमारी तरफ से हर तरीके की सुरक्षा का प्रबंध हुआ हुआ है यहाँ, बल्कि जो हमारे झूले वगैरह हैं हमारी तरफ से पूरी टीम तैयार खड़ी है कि सेफ्टी के हिसाब से पूरा जितने बंदे मजा करने आए हैं उन्हें पूरा तरीके से सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है हर तरीके से, और हर तरीके का बंदा चाहे बच्चा हो बड़ा हो जवान हो हर बंदा आगे एंजॉय कर सकता है, ये नहीं है उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, सब आगे मजे ले सकते हैं। हर की बोल रहे हैं कि उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो हर कोई इस मेले में आ रहा है एंजॉय कर रहा है, हमारे तुषार जी है, क्या कहना चाहेंगे? तो जी दिन ब दिन लगातार इस मेले में हम देख पा रहे हैं इस प्रदर्शनी में भीड़ बढ़ती जा रही है उसको लेकर। ऐसा है सर, पूरा दिन अपने काम से और हर चीज़ों से जो है आदमी स्ट्रेस्ड हो जाता है शाम तक, उसके हिसाब से अगर शाम को घंटा दो घंटा ऐसी कोई जगह मिल जाए घूमने के लिए तो उसमें लाइट सा थोड़ा माहौल हो जाता है, अपना एंजॉय कर लेता है, थोड़ा खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह हैं, खाएगा पिएगा एंजॉय करेगा झूले झूलेगा, तो थोड़ा आदमी का मतलब मेंटल लेवल बढ़िया रहता है ऐसी जगह। बात करें ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टॉल लगे हैं फास्ट एंड फूड्स के, तो रेट्स की बात करें रेट बाहर के मुताबिक कैसे रहेंगे? वैसे तो आज तक यहाँ जितने भी अरेंजमेंट्स हुए हैं ज़्यादातर रेट्स ज़्यादा ही देखे जाते हैं, जैसे अगर झूले भी हैं जो बड़े से बड़े झूले हैं पिछले साल तक भी 80 रुपये 70 रुपये पर हेड यहाँ पर टिकट चार्ज किया जा रहा था, बट हम पहले से ही रेट्स को कंट्रोल करके चल रहे हैं,
कि जो बड़े से बड़ा भी झूला है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट 50 रुपये पर हेड है, ताकि जो बड़ी फैमिलीज हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी आके यहाँ बहुत कम बजट में मेला घूम भी सकता है, एंजॉय भी कर सकता है। साथ ही साथ जो फूड काउंटर्स भी हैं वहाँ क्वालिटी का तो ध्यान रखा ही जा रहा है, बट बेस्ट रेट में क्वालिटी, मार्केट से कम रेट में क्वालिटी अच्छी मिले तो ही कस्टमर को आगे यहाँ अच्छा भी लगेगा, इन्जॉय भी करेगा। हम यही चाहते हैं कि यहाँ से जो भी आए एक अच्छा मैसेज लेके जाए। देखिए, इन्जॉय के साथ साथ हर कोई आता है फैमिली के साथ, वो खाने पीने का शौकीन होता है। अगर वो खाने पीने का शौकीन है, अच्छी क्वालिटी का कम दामों पर यहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था भी आपके लिए की गई है, और साथ ही झूलों की आपको पता है, झूलों के लिए कह रहे हैं कि झूले अगर हम वाटर पार्क में जाए कहीं जाएँ तो झूले बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उसी तरह से वाटर पार्क में ना जाकर आप यहाँ पर वाटर पार्क वाला मजा पूरा ले सकते हैं। जो झूले यहाँ पर आप बाहर कहीं जाएंगे तो आपको बड़े महंगे झूले झूलने मिलेंगे, यहाँ पर आपको सस्ते दामों में झूले मिल रहे हैं। तो यदि आप भी इस इंजॉय का मजा लेना इंजॉय लेना चाहते हैं तो चले आइए रुड़की के LDAV मैदान में, जहाँ पर लगे भव्य प्रदर्शनी मेला।